नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्पना टुडे न्यूज़। कोरोना हम बताएंगे, गाँव गाँव में कहा फैला कोरोना। देखते रहिए कल्पना टुडे न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपको अभी आने वाले कोई नया अपडेट बताएंगे हम दोस्तों। राजस्थान में कोरोना विस्फोट, 28 की मौत, 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए। देश के साथ ही राजस्थान में कोरोना के आंकड़े डराने लगे। ये पहला मौका है जब पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण ने 28 लोगों की जान ली। वहीं कोरोना के नए केसों की संख्या नए रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया। 24 घंटे में सामने आए नए मामले, 5,528 नए मामले। राजधानी जयपुर में 979 नए केस, राज्य में 40,690 पहुंचे कुल एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां पिछले 24 घंटों में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमण नए मामले सामने आए तो वही 28 लोगों की मौत हो गई। मौत के ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि ये पहला मौका है जब कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में इतने लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण 5,528 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी जयपुर में 24 घंटे में 979 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। इसके साथ ही राजस्थान में कुल एक्टिव केसों की संख्या का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। कैपेसिटी हमने यहाँ पर बना दी, आईसीयू बेड तैयार कर लिए, वेंटिलेटर तैयार कर लिए, ऑक्सीजन के लिए जनरेशन प्लांट लगा दिए, हर जिले में जनरेशन की फैसिलिटीज पैदा कर दी। कहने का मतलब आधारभूत ढांचा पूरा तैयार किया और आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, जितने धर्मगुरु थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, व्यापारी थे, अपने मजदूर संगठनों के लोग थे, कर्मचारी संगठनों के लोग थे, या चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर वो जंग लड़ी थी और हम लोग उसमें जीत गए थे। भीलवाड़ा मॉडल का भी और राजस्थान का भी पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर भी प्रचार हुआ कि राजस्थान में बहुत शानदार कोरोना का प्रबंधन हो रहा है। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात थी। अचानक जो दूसरी लहर आई है, पिछले एक महीने से पूरी तरह तबाही मचा दी। 15 अप्रैल की बात करें तो 250 केस आते थे प्रतिदिन, आज 6,500 केस प्रतिदिन आ रहे थे, कभी 7,000 आ रहे हैं। मृत्यु दर 0 हो गई थी, 15 मार्च को प्रतिदिन कोई मृत्यु हो नहीं रही थी उन दिनों के अंदर, आज 33 लोग मर गए हैं। कभी 30, कभी 32, कभी 33 के आंकड़े आ रहे प्रतिदिन के। ये कोरोना भी अलग तरह के मिजाज का है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये दूसरी लहर विशेषज्ञ कहते हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती है। इस लहर के अंदर एक तो बहुत फास्ट ये फैल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये बच्चों में भी जा रहा है, युवाओं में भी जा रहा है। जो पहले खाली बुजुर्गों में जाते थे वो संक्रमित होते थे। और नंबर तीन, ये कोरोना घातक रूप ले रहा है। इतनी मृत्यु दर तो पूरे साल भर में कभी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पूरे साल भर के आंकड़े देखें तो 20 मृत्यु पर डे मैक्सिमम हुई थी कुछ दिनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, और अब कभी 25, कभी 35, कभी 33, मैंने कहा आपको। तो ये जो स्थिति बनी है, घातक ये है, तेज़ी से फैल ये रहा है, नौजवानों बच्चों तक में जा रहा है। आप टीवी देखते होंगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। शमशान ग्रह में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, खुले में दाह संस्कार हो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज के लाइन लगी हुई है। और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर, वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक उससे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हैं। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात खराब हो चुके हैं वहाँ तो।
50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत खतरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया 4 महीने लगातार, और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई वहाँ पर, सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं, नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500,000 तो मामूली बात थी, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई, यूडीसी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई, उनका अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए, और हम लोगों ने भी गलतियां करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हो गए थे, लाखों की रैलियाँ हो रही थी, अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी, कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। पर सवाल ये हमें जनता और आम जनता की, उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए, उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया, आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकगणों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को, सरकार ने भी गेहूँ भी दालें भी दी फ्री, और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1,000 फिर 1,000 और फिर 1,500 और फिर अभी मैंने हाल ही में 1,000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किए हैं, 1 किस्त और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि तकलीफ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है। बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस संकट की घड़ी के अंदर, सेवक सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है, आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से, आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे, तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मांग बढ़ गई है, और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या, उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की, तो एक तरफ तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचाव ही उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई,
अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में, हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इलाज है ये। वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को, हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में हैं केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम जिंदगी जाने का खतरा खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति को गैस वैक्सीन लगानी है। मैंने भी पहली डोज दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है। सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर के। मैं तो आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को, पिछली बार 12 महीने 11 महीने आप लोगों ने जो साथ दिया, जिस रूप में एक दूसरे के काम आए आप लोग, इमदाद करी, उसके कारण से राजस्थान कामयाब हुआ कोरोना जंग को जीतने के अंदर। अब भी जंग जीतेंगे हम लोग, पूरे पूरा यकीन है। आप सब कॉन्फिडेंस बना रहे, हौसला बुलंद रखें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। सारी व्यवस्था हमने करी है, आने वाले वक्त में और हम करेंगे। पूरी तरह हम लोग लगातार गांव के सरपंच पंच तक संपर्क में रहना चाहते हैं। प्रदेशवासियों के तमाम संगठनों से मैंने बातचीत करी है, धर्मगुरुओं से बात करी है, जिससे बात करी है सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमें जो माहौल बन गया है, हालात हो गए हैं, उसके अंदर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा अंत में कि कृपा करके आप जो फैसले किए सरकार ने, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सहयोग करें। ये नौबत नहीं है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े, क्योंकि हमें जान बचानी लोगों की, और जान बचाने में सख्ती करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसको काबू में कर पाएंगे। बड़ा महामारी है, महामारी है, फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल के आगे देखेंगे तो आप देखोगे हो क्या गया 15 दिन के अंदर। 30-35 लोग मरना प्रतिदिन, कभी सुना ही नहीं था हमने राजस्थान के अंदर, वो स्थिति बन गई है। यही बात कहता मैं आपको, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे पूरा सहयोग करने में।